दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक हार्ड डिस्क केसिंग की। अगर आपको नहीं पता कि हार्ड डिस्क केसिंग क्या होती है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आपको पता है कि हार्ड डिस्क केसिंग क्या होती है तो इस वीडियो को आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हार्ड डिस्क केसिंग होती क्या है और किस तरह दिखती है, किस तरह काम करती है, इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और ये हमारे कब काम आती है, तो अभी आप देख लीजिए। ये 2-in-1 USB 2.0, 2.5 और 3.5 HDD हार्ड डिस्क केस है। टेराबाइट कंपनी की है, टेराबाइट गोल्ड इस पर लिखा हुआ है। ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, मुझे इसकी ज़रूरत थी तो मैंने ले लिया। अगर आपको भी इसकी ज़रूरत पड़ती तो आप भी ले सकते हैं। इसके प्राइस के बारे में आपको लास्ट इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये मुझे कितने का पड़ा है, और आज नहीं तो कल हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत पड़े। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, खोल लेते हैं और देखते हैं दिखती कैसी है। तो ये इसके अंदर जो है एक ये कुछ प्लास्टिक का बॉक्स है जो बिल्कुल लाइट वेट है, कुछ भी इसमें वजन नहीं है। तो ये टेराबाइट गोल्ड इस पे भी इस कंपनी का लोगो है और नाम लिखा हुआ है। अब जो है इसे हम रखते हैं साइड में और इसके अलावा देखते हैं इस बॉक्स में और क्या है। इसमें हमारे पास इसमें एक अडोप्टर है, इसका अडोप्टर या चार्जर कह सकते हैं आप, और दूसरी एक केबल है। तो इस बॉक्स को रखते हैं साइड में। अब ये देख लेते हैं, तो ये एक बॉक्स है और सबसे पहले हम इसे पॉलिथिन से निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक का बॉक्स है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। ये एक केबल है इसकी और ये इसका चार्जर कह सकते हैं या अडोप्टर कह सकते हैं, एसी अडोप्टर। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने जो है इसके सॉकेट वगैरह दे रखे हैं। ये जो केबल है इसके अंदर इस तरफ से ये जो केबल है ये इस वाले सॉकेट के अंदर लगेगी जहाँ लिखा है USB 2.0। तो ये केबल जो है इस तरीके से इसमें ये लगती है और ये चार्जर है इसमें, इसका जो एडाप्टर है ये भी लगता है इसमें, और इसमें एक स्विच भी दे रखा है ऑन ऑफ का, यहाँ लाइट वगैरह भी दे रखी है। तो ये हार्ड डिस्क केसिंग है और अब मैं आपको बताता हूँ किस काम आती है। ये हार्ड डिस्क केसिंग जो है हमारी जो डेस्कटॉप हार्ड डिस्क होती है जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगाते हैं उस हार्ड डिस्क के लिए काम आता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क पड़ी है जो कि आपके यूज़ में नहीं है, तो उस हार्ड डिस्क को आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बनाकर इसमें यूज़ कर सकते हैं इसकी सहायता से। अब जैसे कि इस पर लिखा था 2-in-1 USB 2.0, अब 2.5 और 3.5 ये जो हार्ड डिस्क हमारी होती है डेस्कटॉप वाली जो होती है वो हार्ड डिस्क हमारी 3.5 हार्ड डिस्क कहलाती है, यानी कि उसे पावर चाहिए होती है। तो पावर के लिए अडोप्टर दे रखा है और एक लैपटॉप की हार्ड डिस्क होती है छोटी वाली, वो भी केस के अंदर लग जाती है। तो अभी मैं आपको इसमें लगा के दिखाऊंगा कि हार्ड डिस्क हम कैसे लगाते हैं। इसे हम खोलते हैं, ये बॉक्स है, इसका जो ढक्कन है एक, ये जो है आप जैसे ही थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। देखिए ये जो है, हाँ ये जो है इसे आप इस तरीके से खोल सकते हैं। तो इसमें साइड में देखिए ये ढक्कन जो है, हाँ इस ढक्कन को अंदर जाने के लिए देखिए साइड में इसका एक रास्ता बना रखा है, एक उस तरह आप इसको लगा सकते हैं इसमें देखिए, और इस तरह से आप कोई इसमें स्क्रू वगैरह नहीं कसा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी, ये छोटे छोटे यहाँ पर आपको जैक दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर हमारी हार्ड डिस्क लगेगी। हार्ड डिस्क लगाने के बाद हम उसे बाहर से यानी कि उसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना सकते हैं और अपने पीसी में यूज़ कर सकते हैं डाटा वगैरह रिकवर करने के लिए, कॉपी करने के लिए। जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है हमारी, वैसे ही हम इंटरनल हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसमें हार्ड डिस्क लगा के दिखाऊंगा कि हार्ड डिस्क कैसे लगाते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप जो है मेरे पास दो हार्ड डिस्क देख सकते हैं, एक मेरे पास ये है 500 GB की WD की हार्ड डिस्क है, मेरी जो है ये डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क थी, तो मेरे डेस्कटॉप जो है उसमें दूसरी हार्ड डिस्क लगी हुई है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा हो गई थी। अब मैं इसे जो है एक्सटर्नल यूज़ करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे इस केसिंग की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि इस केसिंग के माध्यम से मैं इसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना सकता हूँ। और दूसरी हार्ड डिस्क है मेरे पास ये लैपटॉप की छोटी हार्ड डिस्क है,
तो ये हार्ड डिस्क भी जो है अगर मैं लगाना चाहूँ तो इसमें लगा सकता हूँ और एक्सटर्नल यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज मुझे क्या करना होगा कि इसमें ये जो हार्ड डिस्क की जो पोर्ट दे रखे होते हैं तो इन्हें पावर देने के लिए मुझे जो है पावर देने के लिए उसका जो है डाटा एक्सेस करने के लिए मुझे अपने सिस्टम में ही लगानी पड़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ इसे एक्सटर्नल यूज़ कर लूँ, बाहर से यूज़ कर लूँ, तो उसके लिए हार्ड डिस्क केसिंग होती है, तो उसे आप हार्ड डिस्क केसिंग के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। चलिए हो गई हार्ड डिस्क केसिंग की बात, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हार्ड डिस्क जो है लगाते कैसे हैं। तो यहाँ पर आप जैक देख रहे हैं, ये जैक और इसकी जो ये जो हार्ड डिस्क के जो प्लग होने वाले जो यहाँ पर कनेक्शन कनेक्ट करने के लिए दे रखा है, तो इस हार्ड डिस्क को लगाने के लिए हमें हार्ड डिस्क को ऐसे डालना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसके जैक हैं और इस तरफ भी इसके जैक हैं। आप जैसे हार्ड डिस्क में डालेंगे उसके बाद आप इसे हल्के हल्के अंदर कर दीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे हार्ड डिस्क जो है इसमें ऑटोमेटिक अभी फिट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर कैप ख़त्म हो गया और हार्ड डिस्क जो है हमारी पूरे तरीके से लग चुकी है। उसके बाद हम इसे जो है इस कवर की मदद से, ये देखिए कवर जो है दोनों साइड से लग चुका है और इसे हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये जो मेरी हार्ड डिस्क है इसमें जा चुकी है और ये अब एज ए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क काम करेगी, यानी कि मुझे अब जो है डेस्कटॉप पर नहीं लगानी पड़ेगी, मैं इस हार्ड डिस्क को बाहर से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये मेरे हार्ड डिस्क इस तरीके से ख़राब भी नहीं होगी और मैं इसे बाहर से जो है डाटा रिकवर करने के लिए या डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अब इसमें जो हार्ड डिस्क हमने लगाई है उसे एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक केबल है और ये इसका जैक है, तो इसको हमें इस पर प्लग करना होगा। ठीक है, और दूसरा जो इसका एडाप्टर दे रखा है ये इसकी पिन है, इसे हमें यहाँ लगाना होगा। ये लगा दिया, उसके बाद ये तो हमें एसी पावर से चलेगा, इसे जो है पावर देनी होगी। पावर देने के बाद हमारी हार्ड डिस्क जो है उसे पावर मिल जाएगी। उसके बाद ये जो केबल है यूएसबी केबल जो है हमें अपने सिस्टम में लगानी होगी। जैसे हम अपने सिस्टम के अंदर लगाएंगे तो हमारी जो हार्ड डिस्क है हमारे सिस्टम के अंदर शो होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी ये वाली जो हार्ड डिस्क है इंटरनल हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना सकते हैं हार्ड डिस्क केसिंग की मदद से। तो ये जो है मैंने इसमें हार्ड डिस्क लगा दी। अब मैं आपको जो छोटी वाली हार्ड डिस्क है ये वाली हार्ड डिस्क इसमें आपको लगा कर दिखाता हूँ, सेम इसका भी यही हिसाब किताब रहेगा। तो अभी मैंने सिस्टम में नहीं लगा रखा है, तो इसका प्रोसेस यही है कि आप इसमें हार्ड डिस्क लगाएंगे और ये इसे पावर देंगे और ये जो केबल है इस सिस्टम में लगाएंगे तो आप इसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है इसके अंदर, एक तो है यहाँ पर स्विच है, इसे स्विच को आपको ऑन ऑफ करना होगा तभी ये जो लाइट है यहाँ पर लाइट चलेंगी, उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क जो है चालू हो जाएगी। ठीक है, इसे मैं निकाल देता हूँ। तो ये मैं हार्ड डिस्क निकालने के लिए मुझे जो है थोड़ा सा पुश करना होगा, ये हार्ड डिस्क इस तरीके से आपकी ये ऐसे बाहर आ जाएगी। अच्छा, इसका जो गैप दे रखा है वो भी हार्ड डिस्क के हिसाब से दे रखा है कि हार्ड डिस्क में आराम से फिट हो जाए। यहाँ पर मुझे आप एक बात और बतानी थी, ये जो हार्ड डिस्क है इसके लिए हमें अडोप्टर की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, बिना अडोप्टर के इसके पास पावर नहीं जाएगी, क्योंकि ये हार्ड डिस्क जो है हमारी वो 3.5 हार्ड डिस्क लाती है, इसलिए इसे पावर चाहिए होती है, पावर से ही चलती है। अच्छा, ये जो छोटी वाली हार्ड डिस्क है मेरे पास, तो इस वाली हार्ड डिस्क को पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले सिंपल इस हार्ड डिस्क को इस केसिंग में लगाइए, मैं आपको एक बार इसमें लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये हार्ड डिस्क मेरी आराम से लग चुकी है, ये देख सकते हैं आप, और इसे आप इसमें बंद कर देंगे। तो ये हार्ड डिस्क में से लग चुकी है। अब इस हार्ड डिस्क को चलाने के लिए आपको सिर्फ ये केबल लगानी है, पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो हमारी हार्ड डिस्क होती है ये नॉर्मल कंप्यूटर के पावर से ही ऑन हो जाती है। तो इसमें आप जैसे ही ये लगाएंगे और ये सिस्टम में लगाएंगे तो उसके बाद आप जो छोटे वाली हार्ड डिस्क है इसे भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको पावर की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं ऑन हो रही सिस्टम में नहीं एक्सेस कर पा रहे, तो फिर आप ये वाली जो केबल है पावर वाली जो पावर अडैप्टर है इसका, उसे आप इसमें लगाएंगे और पावर में इसे प्लग कर देंगे तो ये वाली हार्ड डिस्क पर आप एक्सेस कर सकते हैं। बाय चांस अगर आपकी यूएसबी से नहीं चलती तब आपको ये अपना एडाप्टर लगाना होगा, अदरवाइज़ आप इससे ही एक्सेस कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क केसिंग मैंने आपको बता दिया कि ये जो हार्ड डिस्क केसिंग है जो हमारी डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क होती है, ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क आपके पास एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क पड़ी है,
तो उसे आप बिना सिस्टम में लगाए बाहर से ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड डिस्क केसिंग चाहिए होगी। अच्छा, इसमें सिंगल हार्ड डिस्क केसिंग भी आती है जो केवल छोटे हार्ड डिस्क के लिए होता है, लेकिन मैंने जो परचेज़ किया है वो 2 इन 1, यहाँ पर भी जैसे इसके बॉक्स में मैंशन था 2 इन 1, 2.5 और 3.5, यानी कि 2.5 और 3.5 दोनों हार्ड डिस्क के लिए केस इसका बना हुआ है। इसे थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ये भी हार्ड डिस्क आराम से आपकी निकल जाएगी। तो इस तरह ये हार्ड डिस्क केसिंग आपकी काम करती है। तो अगर लगता है आपको इसकी ज़रूरत है, आपके पास भी कोई एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क है जो कि आप डेस्कटॉप में नहीं लगा पा रहे, तो आप उसे एज ए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं हार्ड डिस्क केसिंग की मदद से। इसे आप इस तरह लगाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये जो है अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है वैसे, और बस इसका बहुत लाइट वेट है, प्लास्टिक है, और थोड़ा सा आपको संभाल के रखना होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हार्ड डिस्क आपने लगा दी उसके बाद अगर मान लीजिए आपके हाथ से गिर जाता है तो उसकी प्लास्टिक टूट सकती है। तो रही इस बात इसके इसकी प्राइस की, तो आपको मैं इसका प्राइस बताता हूँ। ये मैंने परचेस किया है ऑफलाइन मार्केट से 500 का, यानी कि 500 रुपये का परचेस किया है 2 इन 1। अगर आप सिंगल परचेस करते हैं, 2.5 हार्ड डिस्क के लिए, तो आपको 250 से 300 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो 2 इन 1 ही परचेस करें जिसमें दोनों आपके हार्ड डिस्क सपोर्ट कर जाएं, क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है आपको जो है छोटे हार्ड डिस्क और बड़े हार्ड डिस्क दोनों के लिए आपको यूज़ करना हो, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि हार्ड डिस्क केसिंग क्या होती है, कैसे इसका यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, क्या उसका प्राइस है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।